अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास वेद। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर और राजी हॉस्पिटल एमएम आलम रोड पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट या एसीएल की इंजरी के बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी। अपनी इस वीडियो के अंदर जो बाकी अदर इंजरीज हो सकती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के नी के अंदर स्पोर्ट्स की वजह से, मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपकी मेनिस्कस का टीयर, ये एक लिगामेंट होता है आपकी नी में जो कि आपकी नी के अंदर एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। कभी कभी इसकी इंजरी हो सकती है और इसके अलावा कभी कभी जो आपका कार्टिलेज है जो कि आपकी स्पेशली नी कैप के अंदर है उसके डैमेज हो सकता है। और आपके इसके अलावा अगर आपकी इंजरी सीवियर हो तो आपके माइल्स ऑफ फ्रैक्चर भी हो सकता है नी के अंदर। तो अगेन अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो इन पेशेंट में इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी पेशेंट की नी स्वेल कर देती है, उसमें पेन होती है, और अगर उसके अंदर फ्रैक्चर हो तो पेशेंट के अंदर स्वेलिंग और पेन ज़्यादा होती है और पेशेंट बिल्कुल भी वेट नहीं डाल सकता। इसको अगर आप डायग्नोसिस की बात करें तो जो फ्रैक्चर है वो तो एक्सरे के जरिए हम डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्चर इतना छोटा होता है कि आप एक्सरे में उसको असेस नहीं कर पाते। इनमें जो डेफिनेट डायग्नोसिस है वो एमआरआई स्कैन के ज़रिए होता है। तो मेरी सजेशन है कि अगर आपको ऐसी नी में इंजरी हुई है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप फ़ौरन से पहले असेसमेंट करवाएं। एमआरआई स्कैन हमें हेल्प करेगा डायग्नोस करने के लिए कि वैसे आपको एसीएल की इंजरी है, मेनिस्कस की इंजरी है, कार्टिलेज की इंजरी है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले डिस्कस किया कि एसीएल को हम रिप्लेस करते हैं, मेनिस्कस के मामले के अंदर इसकी इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो इसकी कुछ पेशेंट्स के अंदर हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर मेनिस्कस को हम सफाई करते हैं ताकि उसके पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हों। जो कार्टिलेज के बारे में, अनफॉर्चुनेटली जब एक दफ़ा कार्टिलेज डैमेज होता है तो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर कार्टिलेज डैमेज होता है उसके अंदर मसेस करते हैं कि कार्टिलेज के अंदर कोई फ्लैप या लूज फ्रैगमेंट तो नहीं, तो हम उसकी सफाई कर देते हैं ताकि आपका कार्टिलेज नी का थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और जो आपको अगर कैचिंग और लॉकिंग के सिम्टम्स आएंगे वो आपके बेहतर हो जाए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई नी की इंजरी है तो आप उसको फ़ौरन से पहले असेसमेंट करवाएं। ये हमें हेल्प आउट करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज को आइडेंटिफाई करने में और उसकी ट्रीटमेंट को प्लान करने में, क्योंकि जितना हम अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे उससे उतनी ही आपकी जल्दी क्विक रिकवरी होगी और आपका उतना ही बेटर आउटकम आएगा। थैंक यू।